इतिहास को समझने वाले और इतिहास को जानने वालों के लिए खुशखबरी, पानीपत नाम से फिल्म आ रही है। जी हाँ, इतिहास पर आधारित फिल्म है जिसमें पार्वती बाई का किरदार निभाएंगी कृति सेनन। जी हाँ, कृति सेनन की अभी हाल ही फिल्म हाउसफुल अच्छा बिजनेस कर रही है और कृति सेनन जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टा पर इस फोटो को शेयर किया अभी अब से कुछ देर पहले। आपको बताया, इस फिल्म को निर्देशित करेंगे स्वदेश लगान और मोहन जोदारो फिल्म बनाने वाले आशुतोष कुवारेकर, आशुतोष जिन्होंने अकबर जोदा भी बनाई थी। तो इतिहास की फिल्म बनाने के लिए वो माहिर हैं और इस फिल्म में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के किरदार के लिए लिया है संजय दत्त को। बहुत ही अच्छा चयन है, संजय दत्त काफ़ी टफ लुक में नज़र आ रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली जिसने कि पानीपत की लड़ाई लड़ी थी और वो काफ़ी क्रूर किस्म का था। इसमें अर्जुन जो हैं, अर्जुन कपूर बने हैं सदाशिव राव भाऊ। तो ये फिल्म जो है इतिहास पर आधारित है और देखना है कि जो पिछली फिल्में होती हैं आशुतोष की उसकी तरह ये भी अच्छा बिजनेस करती हैं या निराश लिए तो वक्त बताएगा। लेकिन कृति सेनन इस फिल्म में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं और इतिहास के जानकारों के लिए अच्छी खबर कि उन्हें बड़े पर्दे पर पानीपत की लड़ाई का जो वो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। और इतना तय है कि आशुतोष सर हमेशा जब दृश्यों को फिल्माते हैं तो काफ़ी भव्य होते हैं, काफ़ी बेहतरीन होते हैं और साथ ही साथ ये आपको सीट पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं ताकि आप पूरी फिल्म को आराम से देख पाएँ। तो ये है बड़ी खबर कि आशुतोष गुवारे के बैनर तले बन रही है फिल्म जिसमें अहमद शाह अब्दाली बने हैं, संजय दत्त पार्वती बाई के किरदार में कृति सेनन और सदाशिव भाव के किरदार में अर्जुन कपूर है। तो ये फिल्म जो है 6 दिसंबर को रिलीज़ होगी और इसका जो ट्रेलर है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो ये थी बड़ी खबर। धन्यवाद। जय हिंद।